और ये बैक साइड जितने भी पेड़ हैं आम के, यहाँ पे वो पीछे आगे पीछे जितने पेड़ हैं, ये सारे दादू ने लगाए थे भाई, मेरे दादू के भाई ने, दादू ही लगे वो भी, उनका नाम था सूरम सिंह। ये मेरा प्रिय भाई छोटा, ये ब्लॉग देखता है मेरे, और भाई हमारे भी तो भैया हम भी देखते हैं आपके भैया। मैं भी देखता हूं। आइसक्रीम वाले भैया आइसक्रीम दिला छोटा सा, जब तो मेरे पैर लगे, जब मेरे पाँव लग गए थोड़े थोड़े चलने में लगा, मैं कभी कहीं भाग जाता था, कहीं कहीं भाग जाता था। फिर मुझे गांव में जो पापा की चाचू की बेटियां थी या कोई और जो बूजिया ही लगती हैं, वो मुझे उठा के ना कभी लेके जाना, उन्होंने मम्मी को बोलना आपका बेटा कहाँ पे है, मम्मी कहती मेरा बेटा ही। और फाइनली हम अपने गाँव घर पहुँच चुके हैं, और ये भैया गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताना कैसे हो कमेंट सेक्शन में बताना। और आज चले हैं, चाचू की रिटायरमेंट है और वहाँ से ही गांव चले जाना है, थोड़ा सा काम है तो वहाँ जाएंगे, बताएंगे आपको जो आज मस्ती वगैरह करेंगे वन बाय वन, और निकलते हैं घर से। और मम्मा और बहन को, बड़ी बहन को ले लिया है दूसरे रास्ते से, जहाँ घर का दूसरा रास्ता ना वहाँ से, अब निकलने लगा हूँ सीधा अखनूर पहले, फिर देन गाँव जाऊंगा जोड़िया वाली साइड, तो आपको बताएंगे सब कुछ जो हमने मस्ती के। और एक चीज तो मैं भूल ही गया, बाइक को भी लेना है बीच में रास्ते में घर से, उसके जो बूची के बेटे को लेना है, वो भी गाँव जा रहे हैं तो साथ में ही, तो उसको भी तो लेना है, पहले उसको लेंगे, फिर अखनूर जाएंगे, फिर देन गाँव जाएंगे। याद आ गया मुझे, और पेट्रोल तो भरा लिया। पेट्रोल का सीन ये था कि एटीएम था तो पेट्रोल भरा लिया, और उनको मैंने कहा भैया 2200 रुपया काट लो यार, तो 1200 का पेट्रोल भरा दिया और 1000 रुपया मुझे दे दो, कहते ठीक है भैया ले लो। क्या करें यार, मिल नहीं रहा था, तो आगे बर्तन शर्तन भी देना होता है, कुछ भी करना होता है, 10,000 काम होते हैं, तो उससे अच्छा है पेट्रोल वालों से मिन्नत की थोड़ी सी और उन्होंने दे दिया, बहुत अच्छा। कसम से रोड देख के ना पागल हो गया हूँ मैं, इतनी बुरी हालत है, मैं पागल, मैं गधा था जो इस रोड पे आया, कसम से पिछले आधे घंटे से मैं इधर ऐसे इठल उठल बज के जा रहा हूँ, मैं समझ लग रही मैं चाहता क्या था जो इस रोड से आया, गधा था गधा में, वो वाला गधा नहीं, डोंकी वाला नहीं, ये दूसरा गधा भी होता है बीच में ऐसा, जिसको पता नहीं हो कुछ भी कौन सा वाला, ऐसे नहीं कमेंट कर देना गधे के और है, फिर अच्छा नहीं लगता यार। और बूजी के घर पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ से थोड़ा सा राइड लेंगे और थोड़ा से सामने ही बूजी का घर है, और देन भाई को लेते हैं और यहाँ से ही निकल जाते हैं। टाइम काफी हो गया है, 3:40 हो गए हैं, तो देन अभी पहले पहुंचते हैं फिर बताते हैं आपको। और बड़े भाई को हमने ले लिया है, अब चले हैं हम चाचू के घर पहले, फिर देन गाँव निकल जाएंगे, उधर भी कोई काम है तो चाचू की रिटायरमेंट भी है, तो वो भी पार्टी छोटी खाएंगे और निकलेंगे यहाँ से, इतनी टेंशन ही लेनी है। और कुछ मिनटों में हम चाचू के घर पहुंच जाएंगे, प्यार प्यार से आए हम, क्योंकि उनको भी टाइम लग जाएगा वहां से आने में, रिटायरमेंट यहाँ से पेपर वर्क करने में, फिर मिलते हैं आपको बताएंगे आगे। और चाचू के घर पहुंच गए हैं, जाते हैं अंदर मिलते हैं सबसे और बताते हैं आपको। ये बैक साइड जितने भी पेड़ हैं आम के, यहाँ पे वो पीछे आगे पीछे जितने पेड़ हैं, ये सारे दादू ने लगाए थे भाई, मेरे दादू के भाई ने, दादू ही लगे वो भी, उनका नाम था सूरम सिंह, वो इतने टैलेंटेड थे कि बात ही पूछो मत, क्योंकि पेड़ लगाने की जो कला है वो किसी में नहीं होती है, बड़े बड़े कम बंदे होते हैं, और इन पेड़ों पे इतने आम खाए ना मैंने कि पूछो मत। स्पेशल मेरे घर कोई 10-15-20 किलो अलग से बेचते थे वो हर बार जब वो जिंदा थे, आजकल तो कोई बेचता नहीं है, क्या पता ये ब्लॉग देख के बेचना स्टार्ट कर दे फिर से। 40 साल की मेहनत के बाद देखो कितने सारे नोट मिले, बस ये मिलने ना, ये खर्च हो जाएंगे, कौन निकालेगा, उनकी नजर ठीक लग रही मेरे को नोटों की तरफ, ये हमने लेने ने। ये स्टेयर ऑन रोड भैया आशीष भैया। और यहाँ पे चाची चाचू का स्वागत करते हुए आरती की थाली लेके, 40 साल की मेहनत है यार, तो तभी चाची जी स्वागत कर रहे हैं फिर से, और सबसे बड़ी बूजी का आशीर्वाद देते हुए चाचू जी और बूजी जी आरती से उसका स्वागत करते हुए
ये मंजर मैंने पहले नहीं देखा, मगर आज देख रहा हूँ कोई जब से पैदा हुआ, क्योंकि ये बूजी मैंने पहली बार देखी है। मेकअप भी आया चाचू देख के हंस रहे हैं। परतिया ब्याह हुआ है और यहाँ पे है मेरे फेवरेट राघव जी। आप देखिए सामने राघव जी कैसे हैं आप? अब क्यों इतना सिर, आज क्यों इतना गुस्सा चढ़ा है राघव को? हैं तऊ जी बॉस आया यार, तू तऊ गुस्से में है राघव जी, आज किसी का कत्ल कर देंगे लगता है मुझे, हैं सच्ची करेंगे। ये मेरा प्रिय भाई छोटा, ये ब्लॉग देखता है मेरे, और भैया हम भी देखते हैं आपके भैया। बाकी जो बात की बात रही, आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा क्या करता हूँ? सबसे पहले खाना, बाकी बाद में बातें होती है, क्योंकि खाना जो है ना वही मज़ा है। ओके कहीं, और यहाँ पे चलते हुए गोलगप्पे टेस्टी और मुंह भरने के लिए बहुत अच्छे, और गर्मी बहुत हो रही है बता नहीं सकते हैं। मेरे को भी दे दो। आइसक्रीम वाले भैया आइसक्रीम दीजिए सर, लीजिए जल्दी कीजिए, नहीं तो हम आपको रोन देंगे इस बार गर्मी में। आइसक्रीम वाले भैया आइसक्रीम दिला। थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, शुगर हुई है मगर नहीं। एक वो पीछे लगे हुए हैं चाचू, शुगर पता नहीं कहाँ जा रही है, मगर ये पीछे नहीं हट रहे हैं ये दोनों। और चाचू के घर से आ गए हैं वापस, अब जाने लगे हैं हम गांव में, गांव में भी काम है तो वो भी बताएंगे आपको क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो अभी गांव निकल रहे हैं, फिलहाल हम अभी अखनूर पहुंच गए हैं, तो यहां पे एक मंदिर है वो तो दिखाऊंगा नहीं मैं, यहां पे पांडव वगैरह आए थे, पांडवों की गुफा भी कहते हैं इधर। होगा तो कल आते वक्त चक्कर लगाएंगे, मगर मुश्किल ही है जहाँ तक। भाई को गुस्सा चढ़ा हुआ है मेरे पे, देखो ड्राइव देखो कैसे कर रहे हैं, पूरे गुस्से में। और हम पहुंच चुके हैं जोड़िया, ये हमारे गांव का जो भी, जैसे हमारे जम्मू में सिटी में जो मार्केट वगैरह ना, हमारे गांव का ये मार्केट है जोड़िया। यहाँ पे एक पुलिस थाना है, वो इतना मारते हैं, मारते कम खजीटते ज्यादा है वो। और यहाँ पे एक मशहूर चीज है पवन की आइसक्रीम, तो वो खाएंगे अभी, तो फिर आपको बताएंगे। दो और ये कुल्फी है ना, जो ऐसे लगता है ठंडी ठंडी बर्फी खा रहे हो आप, इतना मजा आ रहा है इसको खा के। बहुत मजा आ रहा है, इसमें किशमिश भी बड़ी डाली हुई है, 20 रुपए में डाली होती है, 10 रुपए में एक दो डाली होती है, 20 में 3-4 डाली होती है। और अब हम गांव में एंटर हो चुके हैं, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है हमारा गांव, तो निकलते हैं और पहुँचते हैं, बताते हैं आपको। छोटा था ना जब, तो मेरे पैर लगे, जब मेरे पाँव लग गए थोड़े थोड़े चलने में लगा, मैं कभी कहीं भाग जाता था कहीं कहीं भाग जाता था। फिर मुझे गांव की, गांव में जो पापा की चाचू की बेटियां थी या कोई और जो बूजियां ही लगती हैं, वो मुझे उठा के ना कभी लेके जाना, उन्होंने मम्मी को बोलना आपका बेटा कहाँ पे है, मम्मी कहती मेरा बेटा ही नहीं है, कौन है मेरा बेटा, फिर मम्मी को याद ही भूल जाता था कि लड़का भी हुआ है। और ये वही नहर है, जब मैं छोटा था ना, मेरी मम्मी ने क्या किया, मुझे भूल जाती थी कि मेरा कोई लड़का भी है या नहीं, कभी कोई मुझे उठा के नहर से वापिस लेके जाता था घर, तो मम्मी को बोलता था ए भाभी आपका बेटा कहाँ पे है, मम्मी कहती मेरा बेटा भी है कोई,
ऐसी थी मम्मी, भूल जाती थी मुझे, कभी कहीं भूल जाती थी, कभी कहीं भूल जाती। अपने नानके कोई 10-12 साल बाद आ रहे हैं, देखिए तब की गाड़ी चला रहे हैं, गुस्से में थे, अब थोड़े ठीक हो गए हैं। आज नानी के पास जा रहे हैं, 87 इयर्स की इनकी नानी हुई है जो मेरी दादी है, बड़ी जड़ी बूटियां खाई हुई है दादी ने। और फाइनली हम अपने गांव घर पहुंच चुके हैं और ये भैया ने गाड़ी कर दी है बंद।